वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आज मैं बताने वाला हूं कैमरा के बारे में, आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, या पांच कैमरा लेना चाहिए, तीन कैमरा लेना चाहिए, दो कैमरा लेना चाहिए, एक कैमरा क्या कैमरा लेना चाहिए, और कैमरा कैसे काम करता है। अगर सब कुछ आप जानना चाहते हो तो वीडियो शुरुआत से आखिरी तक देखिए, सारे आपके कैमरा के बारे में जो भी डाउट था सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मार्केट पे आप देखोगे बहुत सारे कैमरा आ गया, देखो 24 मेगापिक्सल कैमरा, 48 मेगापिक्सल कैमरा, जैसे कुछ धूम मचा दिया, यार ये कैमरा ले लो, ये तो आपका फोटो पूरा चेंज कर देगा। मतलब हमारे फ़ोन में चार कैमरा लगा हुआ है, कोई कहेगा मेरे फ़ोन में पांच कैमरा लगा हुआ है, कोई कहता है तीन कैमरा लगा हुआ है, कोई कहता है डुअल कैमरा लगा हुआ है। तो ये सारे फंक्शन है, बट इसका मतलब नहीं, आपके पास चार कैमरा आ गया तो आपका पिक्चर बहुत बढ़िया आएगा, तो उस पर बहुत सारे चीज़ मैटर करता है, जैसे उसमें एपेचर क्या लगा हुआ है, सेंसर क्या लगा हुआ है, इमेज कैसे प्रोसेस होता है, ये सब कुछ मैटर करता है। उसमें कैसा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिससे इमेज प्रोसेस होता है, क्या उसमें जी कैम लग सकता है क्या या नहीं लग सकता है, तो ये भी बहुत सारे चीज़ मैटर करता है, तब जाके एक अच्छा कैमरा बनता है। तो आपको सबसे पहले उसमें ध्यान रखना चाहिए उसका मतलब सेंसर कौन सा है। जैसे 48 मेगापिक्सल कैमरा में 1.5 इंच का सेंसर लगा हुआ है, तो सेंसर जितना मतलब आपके फ़ोन में सेंसर जितना बड़ा होगा आपका पिक्चर क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। एक अच्छी क्वालिटी का आपके फ़ोन में अगर लेंस लगा हुआ है तो पिक्चर बहुत अच्छा आएगा। तो बहुत सारे कंपनी कहता भी नहीं इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, और बहुत सारे कंपनी कह भी देता है इसमें कौन सा कंपनी का लेंस लगा हुआ है। जो थोड़ा चीप रेट में फ़ोन देता है तो उसमें पता भी नहीं चलेगा कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो ये भी पता कीजिए मतलब कौन सा कंपनी का लेंस लगा हुआ है। अब आते हैं एपेचर के बारे में। एपेचर आपका जितना बड़ा होगा, जितना लाइट अंदर आएगा कैमरा के अंदर आएगा, उससे ही आपका पिक्चर क्वालिटी बहुत खुल के आता है, बहुत अच्छी तरह के आता है, पूरा एक कॉम्पैक्ट एक अच्छा होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा पिक्चर आपका निकलता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं निकलेगा। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, फोटो को प्रोसेस कैसे किया जाता है। जो आपके फ़ोन में जैसे सेंसर, लेंस, एपर्चर ये सारे लग गया, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर होता है जो फ़ोन में आपका जो फोटो जो प्रोसेस करता है उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, कितना इंटेलिजेंट है, क्या आपके फ़ोटो को बेटर वो बना पा रहा है क्या नहीं पा रहा है, इसका भी बहुत सारे मैटर रहता है। या फिर लो लाइट में अगर देखोगे तो कम लाइट है तो वहाँ पे भी बहुत सारे फ़ोन बहुत अच्छे पिक्चर रहता है, और बहुत सारे फ़ोन में आप देखोगे उसमें तीन कैमरा लगा हुआ है फिर भी अच्छे पिक्चर नहीं आ रहा है। तो यही वजह है मतलब फोटो प्रोसेसिंग कैसे होता है और कितना अच्छी तरह से कर पाता है। और एपर्चर की बात करें तो एपर्चर की बहुत सारे ध्यान रखना चाहिए, जैसे अभी जो लेटेस्ट चल रहा है f1.5 f1.4, ये सारे जो लेटेस्ट एपेचर है, बट अगर आपके फ़ोन में पुराना कोई f2.2 लगा हुआ होगा तो फिर आपको पिक्चर थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। और आपके फ़ोन में जो बहुत सारे कैमरा लगा हुआ है वो तो अलग मल्टीपल आपके फंक्शन देता है, जैसे उसमें वाइड एंगल भी फ़ोटो खींच सकते हो, या फिर उसे ब्लैक एंड वाइट भी एक कैमरा होता है, उसका डेप्थ सेंसिंग का कैमरा होता है, तो सबको मिला के एक फंक्शन बना सकते हो, जो फंक्शन बनते तो उससे आपका बहुत सारे काम कर सकते हो। इसका मतलब नहीं है उसमें अच्छी पिक्चर भी खींच सकते हो, हाँ अच्छी पिक्चर डेफिनेटली खींच सकते हो, अगर जो उसमें अगर अच्छे अच्छे कैमरा लगा होगा तो डेफिनेटली एक अच्छे पिक्चर आप जो मल्टीपल कैमरा लगा होता है जिस फ़ोन में उससे आप खींच सकते हो। अगर आप लेटेस्ट फ़ोन ले रहे हो तो पहले उस पर देखिए जी कैम उसमें इंस्टॉल होता है क्या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो वो किसी भी तरह इंस्टॉल कीजिए, करके एक फ़ोटो खींच के देखो, तो एक फ़ोटो खींच के देखो जो लो लाइट में होता है वो बहुत ही अच्छा पिक्चर आता है। और जी कैम के बारे में अगर आप जानते नहीं हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, सर्च करके आप देख सकते हो जी कैम होता क्या है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते फिर मिलते किसी दूसरे वीडियो पे।